एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने एक क्वेरी डाली है। आप सभी ध्यान से इस क्वेरी को सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्वेरी ये है कि जब वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपका ग्रेजुएशन अगर हो भी चुका है, तो आप क्या करते हो कि 12th डाल देते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होते हैं कि सोचते हैं अरे यार 12th डाल देते हैं, ज़्यादा सही है ये वो, क्योंकि हर कोई ना कोई आप सब अलग अलग दिमाग से सोचता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बहुत ही केयरफुल रहना है। अब क्यों रहना है? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होता है, जो कि अभी तक SSC कराती थी, तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आप सभी को आ सकती है कि जब डिपार्टमेंट आप सभी का कंडक्ट कराएगा, तो आप सभी 12th डाले तो 12th तक ही सारी मार्कशीट ले जाओगे। लेकिन जब आपका डिपार्टमेंट 12th तक ही सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, फिर एक कल को आप ज्वाइन कर लोगे और दोबारा से अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरते हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने तो उस टाइम सबमिट नहीं किया था, आपने तो डिटेल्स भी नहीं बताई थी। क्योंकि जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है, आपसे वो सारी चीज़ें पूछता है। जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा कि वो ये पूछते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपने कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी आप मार्कशीट वगैरह लाए हो, अच्छा ये है, आपने इसके पहले कहीं जॉब करी है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में करी है, तो हर एक चीज़ की डिटेल्स आप सभी से वहाँ पे ली जाती है। क्योंकि उसके बाद अगर कोई भी एक स्टेप आप लेते हो ना गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद, आप कुछ भी अगर ऐसा करते हो, तो उस स्टेप का भी आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना होता है। लेकिन हर एक चीज़ की आपकी लिमिट होती है। जैसे आपने कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी करी थी, ठीक है, तो उसका भी आपको इंटीमेशन देना है, और उसका टाइम है 1 month का। कार वगैरह खरीदी, लेकिन क्या होता है कि उसका लिमिट होती है कि आपका बेसिक के इतना टू टाइम्स या 6 times अगर ज़्यादा का पेमेंट है, तो आपको इंटीमेशन देना है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी डिग्री करते हो या कुछ भी आपने अगर किया हुआ है पहले से, तो वो ऑलरेडी आप सभी को डिपार्टमेंट में बताना होता है, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो, तो उसका भी कहने के आपको डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी होती है, आपको इंटीमेशन देना होता है। और ये चीज़ें जितने भी स्टूडेंट, मैं भी ऑलरेडी एज ए स्टेनो सेलेक्टेड हूँ, जब मैं कोई भी फॉर्म भरता हूँ, तो पहले उस चीज़ का इंटीमेशन देता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं पेपर देने जाता हूँ, तो उसका भी मैं इंटीमेशन देता हूँ, जिससे जब भी मैं DV के लिए जाऊँ, तो NOC प्रोड्यूस होने में मुझे कोई भी इशू ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी होती है। तो आप सभी कोशिश करें कि क्वालिफिकेशन जो आपकी है वही आप भरें, उसमें कोई भी आप सभी को लॉस नहीं होता है। साथ ही अगर आप वहाँ पे नहीं भर पाते हो, तो जब आप डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन कराने जाते हो, तो वहाँ पर आप सारी डिटेल्स दो, साथ ही आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट या डिग्री आप अपने साथ जरूर कैरी करें, जिससे फाइनली वहाँ पर आप सारी डिटेल्स जो वो मांगते हैं, वो आप उनको प्रोवाइड करा सको, जिससे इन फ्यूचर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी क्वेरी के लिए आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आप सभी को पर्सनली जवाब दे सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे इतने लोग हैं, तो वो उतना स्क्रॉल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जुड़ेंगे, तो मैं आपको जवाब जरूर से जरूर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में।